भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 6। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद् भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किलह किल मधौ मधुरम विरौति तच्चारु चम्र कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किलह किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारु चम्र कलिका निकरैक हेतु। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 6 का शब्दार्थ। अल्पश्रुतम अल्पश्रुत वाले, श्रुतवतम परिहास धाम विद्वानों के परिहास के पात्र, माम त्वद भक्ति एव मुझे आपकी भक्ति ही बलात् बलपूर्वक मुखरी कुरुते मुखर कर रही है। यत कोकिलह किल क्योंकि कोयल मधौ मधुरम विरौती बसंत ऋतु में मधुर कूजती है। तत् चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतु उसका एकमात्र हेतु है आम की सुंदर मंजरियों का समूह। बुद्धि की अल्पता के कारण स्तुति न कर पाने की चिंता में जो संकल्प डगमगा रहा था वह श्रद्धा और संकल्प का सहारा पाकर स्थिर हो गया। आचार्य मानतुंग छठे श्लोक में कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भले ही मेरे इस प्रयास की हंसी उड़ाए, क्षुद्र मानकर मेरा उपहास करे, किंतु मैं भगवान ऋषभ की स्तुति करूंगा। उन्होंने सोचा, कोयल तब बोलती है जब आम में बौर लगते हैं। कोयल की मीठी कुहक का कारण आम्र मंजरी है। इसी प्रकार भले ही मैं अल्प ज्ञानी हूँ, किंतु यह स्तुति करने की प्रेरणा तो आपकी भक्ति ही है।